तो सीधा चलते हैं बलरामपुर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि निर्माण कार्यों का आज भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। देश में जनजातीय बहुल्य गांवों के समग्र विकास के लिए 2 अक्टूबर को धरती आवर जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की जाएगी। कृष्णा गुप्ता जी, अनिता बेग जी, धर्म सिंह जी, ओम प्रकाश जायल सवाल जी, हमर बलरामपुर जिला के अध्यक्ष, सूरजपुर जिला के अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी, और मंच में विराजमान सबो हमर पार्टी के नेतागण, और ट्राइबल विभाग के हमर प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा जी, सरगुजा संभाग के आईजी, यहाँ के कलेक्टर एसपी, सभी अधिकारी बंधु गण, और आज के ऐतिहासिक और गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, और तो सीएम विष्णुदेव साय जो है मंच पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले कि आप ये तस्वीरें देखिए, जब वो मंच पर पहुंचे थे, उनको सम्मानित किया गया, उनको एक विशेष प्रकार की यहाँ पर पगड़ी भी पहनाई गई। तो आज इसी कड़ी में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, रामानुजगंज जिले के राजपुर में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय राजपुर में 192 करोड़ 60 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए हैं, और फिलहाल ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन के घोषणा करे रहिस, और ओकर तहत में आप ला मालूम है कि हमर देश में करोड़ों करोड़ों परिवार में शौचालय के निर्माण हुई से, एकर लिए पहली विशेषकर हमर गांव में और गरीब मन के यहाँ शौचालय नहीं होत रहिस, तो मल्ला बाहर शौच करना पड़त रही से, जो कि समाज के लिए और हमर सब के लिए अच्छा नहीं रहिस। लेकिन अगर हमर माता बहनी मन के सम्मान के कोई चिंता करिस, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी करीन, और आज 11 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय के निर्माण देश में हुई से, कई प्रदेश में शौचालय ला इज्जत घर के नाम से भी जाने जाते। आज स्वच्छता सबला प्रिय लगते, और गांधी जी के तो बहुत ही प्रिय रही स्वच्छता, और आज अगर गांधी जी के सपना ला कोई ये देश में पूरा करे के काम करे थे, तो हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज हमर मनुष्य के जीवन में एक आदत बन गई से सफाई, आज हमला कहीं कचरा फेंके की इच्छा भी नहीं होए, तो इस तरह से आज एक संस्कार में भी आगे से, तो ये 15 दिन तक हमन ये कार्यक्रम ला चलाए हन। और मैं आप सबसे आग्रह करूं कि इस स्वच्छता ला हमला अपन आदत बना के रखना है, हमला अपन घर, अपन गांव, गली, मोहल्ला, जो भी सार्वजनिक जगह है, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सबला साफ रखना है। आज स्वच्छता पखवाड़ा के समापन के अवसर में आप सबसे मोर आग्रह है। और आज हमारे देश के 10.5 करोड़ जनजाति समाज के लिए बहुत ही गौरव के विषय कि झारखंड के हजारीबाग से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के शुभारंभ करी है। वैसे हमर प्रधानमंत्री जी के नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आपन देखे हैं पिछले 10 वर्ष में ये देश के
हर वर्ग के विकास होई से गांव गरीब किसान मजदूर युवा सबके विकास होई से। लेकिन जो जनजाति समाज के जो आबादी है जिमन की संख्या 10.5 करोड़ है आज इमन कहीं ना कहीं विकास की दृष्टि से पिछड़े रहें। लेकिन आप मतलब मैं बताना चाहूं कि अगर चिंता अगर कोई करी से तो नरेंद्र मोदी जी करी नहीं और एक पहले हमर ये छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी करी ने हमारे जनजातीय भाई मन के मतलब विकास के चिंता। आज छत्तीसगढ़ राज के निर्माण करी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कि छत्तीसगढ़ में जो 32% पॉपुलेशन जनजाति समाज के है उमन के समुचित विकास हो गले छत्तीसगढ़ राज के निर्माण। और जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार अटल जी के नेतृत्व में बनी तो पहली बार जनजाति मन के विकास के लिए अलग से मंत्रालय के गठन ये भी करने वाला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ओकर ले पहली ट्राइबल मन के विकास के कोई अलग से मंत्रालय नहीं रही से पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी भारत सरकार में ट्राइबल मंत्रालय के गठन करी आयोग अलग से बनाइन। तो ये सब विकास के चिंता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आज नरेंद्र मोदी जी आज भारी चिंता करत हैं। पीएम जनमन योजना जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं कोरवा बिरहोर पंडो बैगा अबुजमाड़िया जयमला राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कथे बहुत ही पिछड़े हैं और एवं के लिए अलग से पीएम जनमन योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री चलाइन है और जेकर माध्यम से 47,000 करोड़ ये पीएम जनमन योजना के बजट है। और आज जो भी हमारे कोरवा बिरहोर बैगा पांडो अबुजमाड़िया हैं वहां के बस्ती में आज सड़क पहुंचा थे बिजली पहुंचा थे उमन के घर में पानी पहुंचा थे वहां राशन पहुंचा थे उमन के आयुष्मान कार्ड बना थे उमन के आधार कार्ड बना थे सारा विकास के काम वहां तक पहुंचा थे। और आज उसी तरह से ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के शुरू हुई से एकर भी 80,000 करोड़ के बजट योजना में है 80,000 करोड़ के और एकर से पूरे देश के 65,000 से ज्यादा गांव आदिवासी बाहुल गांव एकर से लाभान्वित हुई और 5 करोड़ से ज्यादा जनजाति समाज के विकास ये आज के धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से हुई। तो ऐसा सोचने वाला हमार प्रधानमंत्री जी आज पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से बहुत बहुत हमार प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद दे थी ये योजना के शुरुआत करे बर। और ये योजना से हमार ये प्रदेश के 32 जिला में 138 विकास खंड ओला लाभ मिली और कुल मिला के 6,691 गांव और 47 लाख जनजाति आबादी ये आज जो योजना ये जो अभियान हमर प्रधानमंत्री जी शुरू करी ने एकर से लाभ मिली। मैं पुनः हमर देश के प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ। आज हमर छत्तीसगढ़ के लिए एक शोभा के बात भी है जसपुर के एक लखपति दीदी है मनकुमारी बाई पिछले बार पीएम जनमन योजना में प्रधानमंत्री जी उमन से टेलीफोनिक बात करे रही लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से पूरा परिवार ला बुलाई नहीं आज हजारीबाग उमन से मुलाकात करे बर बुलाई नहीं ये मनकुमारी बाई ये बगीचा विकास खंड के कुटमा गांव के निवासी है। मैं बात के जिक्र इसलिए करत हूँ कि आज कितना जनजाति समाज के प्रति जनजाति परिवार के प्रति कितना स्नेह हमर देश के प्रधानमंत्री के कि आज एक परिवार ला मिले बर बुलाई नहीं। तो एकर ले भी छत्तीसगढ़ के तरफ से हमर प्रधानमंत्री जिला बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना और आप मन के आशीर्वाद से हमन अभी 9 महीना हुई से सरकार के और मोदी की गारंटी में जो वादा रही समर सरकार के
वो सब काम ला हमन पूरा करत हन, चाहे वो किसान मन के धान खरीदी के मामला हो या किसान मन के धान के कीमत देहे के मामला हो। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदत हन, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत दे थन, 2 साल के बकाया बोनस भी दे हन, आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मन ला महतारी बंधन योजना में प्रत्येक महीना 1-1 हजार रुपया देहे के काम करत हन। आज तेंदू पत्ता के दाम 4 हजार से बढ़ा के 5.5 हजार प्रति मानक बोरा करे हन। रामलला दर्शन योजना ये सब लाज मोला बताए बर नहीं, आप सब जाना था, ये सब काम ला हमन 9 महीना में पूरा करे हन। पिछले 5 साल में जब यहाँ कांग्रेस के सरकार रहीस, 18 लाख हमर गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहन, और हमर प्रधानमंत्री जी भी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कह रहन कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम प्रधानमंत्री आवास सेंक्शन करने का करेगा। और आप मतलब बताते हुए मोला गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला हमन सरकार में शपथ लहन, और दूसरे ही दिन कैबिनेट बुला के 14 दिसंबर ला हमन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दहन। लेकिन वो समय जो भारत सरकार से पैसा आना रही सोनी आ पारिस, काबर की यहाँ के पहले के सरकार वो केंद्रांश लो वापस कर दे रही, लेकिन हमन राजान से व्यवस्था करे रहन। अभी मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहूँ कि 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास के पैसा भेज देने हैं, और हमारे प्रदेश में 8,46,931 व्यक्ति मन के प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू होगी से। तो ये सब काम आप मन के आशीर्वाद से हमन करत हन। और आज कई ठन मांग आई से, एक तो आज ये अवसर में कुल 196 करोड़ रुपया के अनेकों काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे हन, ओकर लिए बलरामपुर जिला के समस्त हमार जनता जनार्दन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हमार इस क्षेत्र के विधायक भी कुछ मांग रखीन है, वैसे तो कई ठन मांग रखीन है, लेकिन मैं बताना चाहूं कि 5 साल भर हम अनहन सब कामला करबो, लेकिन आज के अवसर में आप मन के 3 काम के मैं घोषणा करता हूं। एक तो नरसिंहपुर से मरका दाड़ महानदी में पुल निर्माण, एकर मैं घोषणा करता हूं। हायर सेकेंडरी राजपुर हेतु नया भवन के घोषणा मैं करता हूं। और ग्राम पंचायत उफिया विकासखंड राजपुर माकर रोड में चंदर लोटा मूसर खोह नाला में पुलिया निर्माण, ये 3 काम मैं आज विधायक के मांग पर मैं घोषणा करत हूं। और हमार सरगुजा के सांसद भी मांग रखी ने है, एक तो राजपुर में अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट एकर मांग हुई से, तो ये क्षेत्र के हमार जनता जनार्दन के सुविधा हो, एकर ले राजपुर में अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट के मैं घोषणा करत हूं। और एक बलरामपुर में उप नहीं राजपुर में उप कोषालय के भी मांग है, एकर लिए मैं आश्वस्त करत हूं कि एक पूरा प्रयास शासन के तरफ से हो ही, काबरे में आरबीआई के भी अनुमति लगते, इसलिए एक घोषणा में आज नहीं कर पाते, लेकिन पूरा प्रयास हो ही सरकार के तरफ से। उसी तरह से जैसे मैं बता चुके हूं कि आज के जो योजना हमारे प्रधानमंत्री जी लागू करीन है, वो योजना के तहत में हमर ये प्रदेश के 32 जिला और 138 विकास खंड लाभान्वित हुई, और 6,691 गांव के 47 लाख हमर जनजातीय भाई बहनी मल्लाई कर लाभ मिलने वाला है। और ये योजना में जो भी मैं ये गांव के नाम ले हूं, वो गांव के हमर जनजातीय बंधुमन के वन अधिकार पत्र आदिवासी आधार कार्ड आयुष्मान कार्ड राशन कार्ड जाति प्रमाण पत्र जनधन खाता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये सब योजना के लाभ मला
प्राथमिकता से मिली और ये संभाग में हमारे पंडो जनजाति के लोग मन भी हैं, उमन के बच्चा मन के पढ़ाई पर छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, तो मैं पंडो समाज के बालक और बालिका दोनों के लिए अलग अलग 50-50 सीटर आश्रम छात्रावास के मैं घोषणा करत हूँ। और हमर जनजातीय संस्कृति ला बढ़ावा देहेवर सरगुजा और बिलासपुर संभाग में आने वाला समय में हमारे जनजातीय विभाग कर्मा महोत्सव के भी आयोजन कर ही कर भी मैं घोषणा करत हूँ। और अभी हमन 15 नवंबर के जनजाति गौरव दिवस मनाबो, बड़ा भव्य ओला मनाना है, भगवान बिरसा मुंडा के वो जयंती है और हर जिला में भी हमन जनजाति गौरव दिवस मनाबो। और आज एक और घोषणा हुई से, आज चूंकि गांधी जी के जयंती है तो आज बहुत बड़े प्रदर्शनी रायपुर में लगी से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के तरफ से खादी के कपड़ा के और खादी के विभिन्न वस्त्र के, तो आज 2 अक्टूबर से लेकर आने वाला 31 मार्च 2025 तक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा जो निर्मित वस्त्र है उनमें 25% के डिस्काउंट हमर छत्तीसगढ़ के निवासी मला मिली, और भी आज रायपुर में मैं घोषणा करके आया हूँ। और आज के ये कार्यक्रम बड़ा भव्य हो इसे भारी संख्या में आपन आए हैं और ये कार्यक्रम के भव्यता के लिए मैं हमर ट्राइबल मंत्री हमर सरगुजा के माटी पुत्र यहाँ के प्रभारी मंत्री और विभाग के समस्त अधिकारी सोनमणि बोड़ा सहित समस्त अधिकारी जिला प्रशासन और सभी ला बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और जनता जनार्दन से अपील करते हुए कि आप बन के ऐसे आशीर्वाद सने हमला मिलते रहे, हमन मोदी के गारंटी ला 100% पूरा करबो, आप मन के विश्वास में हमन खरा उतरबो, हमर ये सरकार खरा उतरे के प्रयास करी। मैं पुनः आज ये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के समापन और गांधी जयंती के फिर से शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हृदय से आभार आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका हम आभारी हैं। और अब तो प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी को हम राज्य में अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही पूरा करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राज्य को हजारों लाखों शौचालय मिले हैं और लोगों का इससे काफ़ी उद्धार हुआ है, लोगों को काफ़ी मदद मिली है, उन महिलाओं को मदद मिली है जो महिलाएं अपने घर से दूर जाकर शौच के लिए जाया करती थीं। तो आज सीएम विष्णुदेव साय जो है इस कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने लोगों को संबोधित किया, साथ ही बताया कि राज्य में किस तरीके से अनेक प्रकार से योजनाओं को लागू किया गया है, उनसे किन किन योजनाओं से किन किन जिलों के लोगों को लाभ मिला, खास तौर से उन्होंने कोरबा के लोगों को पर भी खास जोर दिया है। तो उन्होंने बताया है कि मोदी की गारंटी को हमने राज्य में अच्छे से लागू किया है, उसको पूरा किया है और आगे भी इसी तरीके से हम इसे पूरा करते रहेंगे। तो राजपुर में आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें सीएम ने करोड़ों के विकास कार्यों की आज लोगों को सौगात दी है। मंच पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं, उनके साथ रामविचार नेताम मौजूद हैं और साथ ही उनके साथ महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े भी आपको मंच पर दिखाई दे रही हैं।